तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी जिंदगी की मौज ले रहे होंगे। और फिलहाल बज रहे हैं 7 और अभी हम आए हैं पंतनगर में। जस्ट आधे घंटे पहले गौती भाई का कॉल आया था और बोले कि पंतनगर में किसान मेला लगा है, चलो देखने चलते हैं। और कोई हमें घूमने के लिए पूछे और हम मना कर दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पंतनगर में किसान मेले में। अभी तो ये काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पे अभी बंद हो गई है क्योंकि टाइम हो चुका है, बट बहुत सारी चीज़ें अभी खुली भी है। तो पंतनगर किसान मेले का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है भाई साहब, जो किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो गौरी भाई, किसान मेले में हम पहुँच चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली जो किसान मेला है ये 110th जो है किसान मेला है यहाँ का। बहुत बड़ा मेला है उत्तराखंड का। लेट्स सी क्या क्या मिलता है और हम कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पर। बहुत ही भाई, अब जब फुल रिसर्च करके आए उनको ये तक पता कि ये कौन से नंबर का मेला है, तो आप सोच सकते हैं भाई कितने एक्साइटेड है। तो बने रहिए व्लॉग में और दिखाते हैं अभी नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आई है इस मेले में। A few moments later. ये देखिए जो निब्बा निब्बी होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। गजब बेइज्जती है। सो गाइस, फाइनली हम ये पंतनगर मेले में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज की मशीनें रखी हुई है जो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और हमारे ये गौती भाई पता नहीं कौन सी मशीन देख रहे हैं। ये मशीन है, ये वुड काटने वाली मशीन है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। 60,000 है और इसको ऑपरेट कैसे करना है? ऑपरेट करने के लिए इसमें आपको डीजल के साथ में किंग कोक डालना रहेगा। 6 लीटर में आपको 35 ml डालना है और ये आपका पेट्रोल डालना है इसमें। पेट्रोल डालने के बाद में आप इस स्विच को ऊपर की पोजीशन में करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके पंप को 2 बारी करेंगे उसके बाद में मशीन चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया भैया ने इस बारे में। पूछा मैंने कुछ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से मशीन ऑफ हो जाएगा। और तो इसको पकड़ के घुमाना पड़ता है क्या? पोर्टेबल है ये, पकड़ के घुमाने है। अच्छा, ज्यादा हैवी नहीं है? नहीं, ज्यादा हैवी नहीं। अच्छा, तो मशीन आपकी 6 किलो की है। 1 hour later जलवा है हमारा। धनिया का 20 कर देना और एक पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी था यार या फूल गोभी था? एक पत्ता गोभी का कर दो। और टमाटर के पौधे आते हैं या वैसे वाला बीज होता है? टमाटर का भी है? ये ले, ये पकड़। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बीज रखे हैं, यहाँ पे A to Z बीज है। गाइस, अभी हमें किसान मेला में और इस मेले का नाम है किसान मेला, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ किसान से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। यहाँ पे A to Z चीज़ें मिलती है, भले वो कपड़े हो, प्लांट्स हो और ट्रैक्टर से रिलेटेड चीज़ें हो, तो छोटी से लेके बड़ी चीज सारी चीज़ें मिलती है यहाँ। बहुत बड़ी मार्केट है, एक सुई से लेके एक ट्रैक्टर तक सब मिलता है यहाँ पे, छोटी से लेके बड़ी चीज़ मिलती है। और ये हमारे एक भैया जी है जो हमें देख रहे हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। भैया जी, तो आप भी घूमने आए हैं यहाँ पे या फिर? मैं जैविक ट्रेनर हूँ। थोड़ा सा इस तरफ से आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम आ रही ना। हाँ जी, मैं जैविक खेती, मेरा नाम अनिल पांडे है और मैं जैविक खेती प्रशिक्षक के तौर पर काम कर रहा हूँ लगभग 18 वर्ष। अच्छा, पंतनगर के अंदर ही? हाँ, मैं लगभग, मेरे पास लगभग 2000 फार्मर है जिनकी भी मैं जैविक खेती करता हूँ। अच्छा, और हमने पहली बार हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है अपने किसानों को साथ लेकर, उनके गोदाम को लेकर और महिला समूह को लेकर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लगभग हम आज हमारा दिन में काफ़ी खुशी मिली। पहला मेला था, हम बिल्कुल सक्सेस रहे इस मेले में। आशा करते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो इनका भारत में ऑर्गेनिक को और जैविक खेती को प्रोडक्ट को शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो।
अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मिल का शुगर मिल काम का काम हो गया लगा। तो देखिए हमारे भैया जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि भैया जी को सपोर्ट करें और ऐसे जो भी ऐसे काम करें उन सबको सपोर्ट करें ताकि हमारा देश बहुत आगे जा सके और खूब नाम हो। थैंक यू भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शॉप भी हमने दाजू की दुकान करके अच्छा जस्ट यहीं पे देखी थी। हाँ बिल्कुल पहाड़ी के नाम से नाम रखा है शॉप दाजू की दुकान। काफ़ी हमारा अच्छा मिलना है, लगभग यहाँ के सारे प्रोफेसर और ये लोग हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पहले से भी कर रहे थे और यहाँ आगे बहुत से हमारे पर भारत से हमारे पास लोग मिले हैं और हमारा नंबर सर्कुलेट हुआ है। तो मैं अपने इस मेले को पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और आशा करूँगा कि इसमें हर बार पार्टिसिपेट करूँगा। और ये मेला अभी कब तक चलने वाला है? मेला सर 7 से 10 तारीख है, कल को समापन होगा। अच्छा कल 4-5 बजे ये मेले का समापन हो जाएगा और ठंडे है काफ़ी भीड़ रहने की संभावना है। अच्छा तो भैया से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। भैया की दुकान जी की दुकान में भी जाएंगे और हमें वहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ होगी तो वो भी हम लेंगे। तो धन्यवाद भैया जी आपका बहुत बहुत। दुकान की बात अभी हमारे भैया जी कर रहे थे वो ये है, यहाँ पे आपको पहाड़ की A to Z सारा सामान मिलेगा और सारा ये शुद्ध पहाड़ी सामान है। ये देखिए यहाँ पे 9 प्रकार के अलग अलग आटे, मड़वा का आटा है, चना का आटा है, यहाँ पे आपको सारे प्रकार के आटे मिल जाएंगे। तो अभी हम भी लेते हैं यहाँ से कुछ। सो गाइज फाइनली हम किसान मेले से निकल रहे हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और मे बी थोड़ा सा लाइटनिंग इशू और ऑडियो इशू हो सकता है तो गाइज उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और गौती भाई आपको कैसा लगा? भाई साहब यहाँ बहुत सारा रास्ता बहुत सारा और हमने क्या करा ना जो अपनी कीमती सामान है जैसे नॉर्मल क्या बोलते हैं फूलों के बीज हो गए, धनिया, कोलिएंडर सीड्स और थोड़ी बहुत सीड जो मम्मी लोगों ने मंगाई थी हम लेके जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल ट्रिप रहा और बहुत मस्ती भी करी मगर रश बहुत ज़्यादा था तो हमने उस हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन भी करी लाइक मास्क। अच्छा लगा हमें कुल मिला के और रात होने के कारण काफ़ी चीज़ें बंद भी हो गई थी तो काफ़ी चीज़ें हम नहीं भी देख पाए। तो गाइस फिलहाल अभी ब्लॉग को करते हैं एंड और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ठोकिए। हाँ और मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन पहला प्रणाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो रुको जरा सबर करो। कुछ भाई लोग जा रहे हैं यहाँ पे कतई स्वैग में, सर पे इन्होंने ये कुछ पहन रखा है बुल, सर पे इन्होंने पहन रखा है बुल का और फुल स्वैग में चल रहे भाई साहब कतई जहर। ये देखिए